गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस आज हम रिव्यू करने वाले अपनी इंटरसेप्टर 650 का एंड ये वाला जो कलर है गाइस ये है अपना मार्क टू। सो गाइस ये इंटरसेप्टर 650 का जो सबसे प्रीमियम एंड एक्सक्लूसिव वाला कलर आता है सो ये वो वाला है एंड मतलब सबसे एक्सपेंसिव वाला कलर भी गाइस हमारा यही है, मार्क टू नाम है गाइस इस वाले कलर का। सो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में एकदम जो है आपसे इसका रिव्यू शेयर करेंगे एंड इसके रिलेटेड जितने भी स्पेसिफिकेशन होंगे वो भी आपको बता देंगे एंड गाइस साथ ही में आपको पता लग जाएगा कि यार क्या ये वाली बाइक जो है आपके लिए गुड है या फिर नहीं, क्या ये वाली बाइक जो आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होने वाली है या फिर नहीं। तो चलो गाइस आप करते हैं अपनी वीडियो को फटाफट से शुरू। तो गाइस सबसे पहले तो जो है हम स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। सो फ्रंट में यार अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो हमको इसमें एलुमिनियम रिम्स देखने को मिलेंगे एंड यहाँ पे जो गाइस हमको ट्यूब टायर मिलने वाले, ट्यूबलेस टायर जो है प्रोवाइड नहीं होने वाले। बात करें टायर की डायमेंशंस के बारे में सो फ्रंट में गाइस यहाँ पे हमको 100/90 18 इंच का फ्रंट में हमको जो है इसमें टायर देखने को मिल जाएगा। ड्यूल चैनल ABS वगैरह इस वाली बाइक में हमको देखने को मिल जाने वाला है एंड अगर आप देखोगे इसकी ब्रेकिंग में सो गाइस यहाँ पे हमको बाइब्री के इसमें कैलिपर जो है देखने को मिल जाते हैं एंड दोनों साइड गाइस हमको इसमें रिफ्लेक्टर्स भी प्रोवाइड हो जाते हैं, एक इस साइड है गाइस एंड सेकंड वन हमको इस साइड मिल जाता है। एंड गाइस जो आपकी फ्रंट की डिस्क होने वाली है वो यहाँ पे हमको 320mm की देखने को इसमें मिल जाएगी। सो बात करें ऊपर से ऊपर की तरफ थोड़ी सी तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके सस्पेंशन के बारे में सो फ्रंट में गाइस यहाँ पे हमको 41mm का फ्रंट फोक देखने को इसमें मिलेगा एंड आप देख सकते हो यहाँ पे हमको कवरिंग इसमें देखने को मिलेगी। इससे क्या आएगा इसके मतलब जो अपना सस्पेंशन जो इसकी लीकेज होने से गाइस ये प्रिवेंट करता है एंड ये जो इसकी लाइफ को भी एक्सटेंड कर देता है। एंड गाइस अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे जो हमको हमारा क्रोम में इसमें हेडलैम्प देखने को मिल जाता है, ये पूरा गाइस अपना क्रोम में है एंड ये जो गाइस अपना हैलोजन लाइट ही प्रोड्यूस करता है अपनी लो बीम हो या अपनी हाई बीम हो, दोनों ही अपनी जो इसमें हैलोजन लाइट हमको इसमें देखने को मिल जाएगी। इधर गाइस हमको हमारे अच्छी क्वालिटी में देखने को मिल जाता है हमारे इंडिकेटर जो कि कंप्लीट अपने क्रोम में है। सो ये भी जो आपको मैं आगे ऑन करके दिखा दूंगा। गाइस अगर बात करें हम इसके टैंक पे सो अगर आप टैंक पे देखोगे तो यहाँ पे गाइस हमको ड्यूल कलर में इसका यूज़ किया गया है, एक साइड हमको गाइस यहाँ पे अपना रेड कलर का यूज़ किया गया है एंड साइड्स में देखो तो यहाँ पे अपना कंप्लीट क्रोम का यूज़ किया गया है एंड इधर देखो तो गाइस हमको यहाँ पे काफ़ी ओल्ड स्कूल टाइप लुक में रॉयल एनफील्ड के यहाँ पे हमको लोगो देखने को मिलेगा। सो ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम टच दे रहा है अपनी कंप्लीट बाइक को एंड गाइस यहाँ पे जो हमको 13.7 लीटर का टैंक इसमें देखने को मिलेगा एंड इस साइड देखो तो गाइस दोनों साइड यहाँ पे हमको थोड़ी स्पेस भी दी गई है। सो राइड करते हो आप जो आपकी जो थाइस है गाइस वो इस साइड यहाँ पे प्लेस हो जाएंगी। सो ये एक और अच्छा फीचर है गाइस इसमें हमको देखने को मिलेगा, काफ़ी यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का इसमें हमको जो मतलब पेंट यूज़ किया गया है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इसमें हमको देखने को मिल जाता है। सो गाइस अभी अगर हम बात कर लें इसके इंजन की स्पेसिफिकेशंस के बारे में सो सबसे पहले तो गाइस मैं आपको ये बता दूँ इस वाली बाइक में जो हमको हमारा ड्यूल एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है जिसकी साउंड जो है गाइस बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्रैकिंग होने वाली है। सो गाइस अभी अगर हम बात करें इसमें इंजन की स्पेसिफिकेशंस के बारे में सो यहाँ पे 650cc का इसमें हमको इंजन देखने को मिल जाएगा, पैरेलल ट्विन होने वाला गाइस ये अपना 4-स्ट्रोक इंजन है। बात करें इसके पावर एंड टॉर्क के बारे में सो यहाँ पे 47.65 PS ऑफ पावर हमको इसमें देखने को मिल जाएगी एंड 52 Nm ऑफ टॉर्क हमको ये वाली बाइक जो है दे देती है। सो गाइस इसका जो इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा बल्की एंड हैवी क्वालिटी में हमको देखने को मिलेगा एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंप्लीट अपने क्रोम में यूज़ किया गया है इसका एंड दोनों जो गाइस अपने दोनों एग्जॉस्ट है वो भी अपने हमको पूरे यहाँ पे अपने क्रोम में ही देखने को मिल जाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लुक देख सकते हो अपनी बाइक की, इधर ये वाली बाइक जो गाइस हमको 6 स्पीड के साथ देखने को मिल जाएगी एंड वेट क्लच एंड स्लीपर क्लच दोनों ही इस बाइक में हमको ये वाले फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे हैवी क्वालिटी का इंजन इसमें हमको देखने को मिलेगा। इस साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इंटरसेप्टर 650 रॉयल एनफील्ड की यहाँ पे बैचिंग देखने को मिलेगी। सो गाइस अभी अगर हम बात करें इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में सो सबसे पहले तो आपको जो मैं इसकी कीज दिखा देता हूँ। सो गाइस यहाँ पे हमको ड्यूल कीज इसमें देखने को मिल जाएगी एंड पहले गाइस अगर हम बात करें बटन्स की सो इधर हमको इंडिकेटर्स के बटन मिल जाते हैं, नीचे हॉर्न के, इस साइड गाइस हमको हाई बीम लो बीम का एंड अगर आप इधर देखोगे तो यहाँ पे जो हमको हमारे डिपर पास का स्विच देखने को मिल जाएगा। इस साइड गाइस हमको हमारा आइडल स्टार्ट शॉप का नीचे पावर बटन देखने को मिल जाएगा अपनी बाइक को ऑन करने के लिए। सो ब्रेक लीवर आप देखोगे गाइस दोनों आपको सिल्वर में देखने को मिलेंगे एंड जो अपने मिरर्स है गाइस वो भी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ हमको कंप्लीट अपने क्रोम में देखने को इसमें मिल जाते हैं। कीज आप देख सकते हो यहाँ पे। सो गाइस अभी मैं ऑन करता हूँ यहाँ पे हमने क्लस्टर को एंड सबसे पहले तो आप देखोगे यहाँ पे जो गाइस हमको इसमें पार्किंग लाइट मिल जाती है हमको हमारे सेटअप में जो गाइस हमको हमारे हैलोजन में ही देखने को मिलेगी एंड आपको जो मैं गाइस इसके इंडिकेटर्स भी ऑन करके दिखा देता हूँ। सो इंडिकेटर्स भी आप देख सकते हो यहाँ पे हमको हमारे बल्ब में ही देखने को इसमें इंडिकेटर्स भी मिल जाने वाले हैं। सो गाइस अभी हम बात करें क्लस्टर की सो इसमें हमको ड्यूल मीटर देखने को मिल जाता है एंड इस ये वाला जो बीच में बटन है जिससे हम अपनी ट्रिप को जो है चेंज कर सकते हैं। सो ऑन करता हूँ गाइस अभी। सो इस साइड देखोगे
सो गाइस यहाँ पे जो हमको हमारा आरपीएम मीटर देखने को मिल जाएगा, कुछ हमको इंडिकेशंस भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे अपना इंडिकेटर्स का हो गया, एबीएस का हो गया, न्यूट्रल का, एंड अपनी हाई बीम लो बीम एंड जो इंजन वार्निंग लाइट है, वो सारी इंडिकेशंस हमको इस साइड प्रोवाइड हो जाती है। एंड इस साइड गाइस हमको हमारा एक स्पीडोमीटर मिल जाता है, काफ़ी सिंपल से यहाँ पे रखा गया है। एंड कुछ नीचे हमको जो ट्रिप के बटन होते हैं वो हमको इधर मिलेगा, एंड आप इससे जो इसको चेंज भी कर सकते हो। सो गाइस इधर जो हमको हमारा फ्यूल का वो देख फ्यूल गाइस देखने को मिल जाएगा, एंड जो भी अपने किलोमीटर्स रन हो चुके हैं वाली बाइक वो देखने को मिल जाएगा। एंड इधर जो अपने ट्रिप के चेंजेस हैं वो हमको इस वाले बटन को प्रेस करोगे तो यहाँ पे जो अपनी ट्रिप जो है सेट हमको इधर सेट हो जाएगी इस साइड की तरफ। अभी जो अगर आपने इसका पूरा मीटर ऑन कर दिया ना, यहाँ पे देख सकते हो जितनी इंडिकेशन है सारी आपको जो है सामने विजिबल होंगी। सो गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवांस तो हमको देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे हमको एक अच्छा खासा भी देखने को मिल जाता है। एंड गाइस अगर आप इसकी सीट देखोगे तो यहाँ पे सिंगल सीट हमको देखने को मिल जाती है, एंड बीच में टेक्सचर का यूज़ किया गया है। यहाँ पे वाइट शीटिंग से गाइस देखोगे तो यहाँ पे अच्छी खासा डिज़ाइन है इस पर हमको देखने को मिल जाता है। एंड सीट देखो तो गाइस यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबल हमको इसमें देखने को मिल जाती है, देख सकते हो आप यहाँ पे इस पर लुक अच्छे से सीट की, एंड काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाले गाइस अपनी काफ़ी ज़्यादा कुशनिंग के बीच में हमको जो प्रोवाइड हो जाती है। अगर पीछे के सस्पेंशन की बात करें तो पीछे का सस्पेंशन आपके सामने विजिबल है, आप यहाँ पे जो है इसकी लुक देख सकते हो गाइस, इधर हमको देखने को मिल जाता है, दोनों साइड इसमें हमको सस्पेंशन देखने को मिल जाने वाले हैं। सो गाइस पीछे जो हमको यहाँ पे ट्विन कॉइल मिल जाएंगे ओवर शॉक्स, एंड गाइस यहाँ पे 88mm का ट्रैवल देखने को मिल जाएगा, जो कि हमने पीछे के यहाँ पे हमको इसमें देखने को मिलेंगे सस्पेंशन। बात करें पीछे के टायर की सस्पेंशन के बारे में, सो यहाँ पे 130x70 18 inches का बैक में गाइस हमको इसमें जो है टायर देखने को मिल जाएगा, एंड वेट गाइस इसकी थोड़ी सी यहाँ पे ज़्यादा रखी गई है। एंड पीछे की डिस्क भी गाइस यहाँ पे आपके सामने विजिबल है, सो जो पीछे की डिस्क गाइस वो अपने 240mm की हमको इसमें देखने को मिलने वाली है। बात करें अगर पीछे से इस बाइक की, सो पहले से गाइस मैं आपको ऑन कर देता हूँ एक बार, यहाँ आपको जो इसके टेल लाइट है उसकी लुक दिखा दूंगा, एंड गाइस जो अपने इंडिकेटर्स है उनकी भी लुक आपको बैक से मैं एक बार दिखा दूंगा। सो अगर आप देखोगे बैक से इसकी लुक, यहाँ पे हमको काफ़ी ओल्ड स्कूल टाइप लुक में यहाँ पे हमको इसमें टेल लाइट जो है देखने को मिल जाती है, एंड इंडिकेटर्स गाइस यहाँ पे हमको हमारे बल्ब में ही देखने को इसमें मिलने वाले हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे लाइटिंग जो है इसमें प्रोवाइड कर दी गई है, यहाँ पे हैलोजन ही है गाइस अपनी बल्ब में है, एलईडी देखने को नहीं मिलने वाली। गाइस बात करें इस बाइक के वेट के बारे में, सो इस वाली बाइक में जो है गाइस हमको 202 kg का वेट जो है देखने को मिल जाएगा, एंड 804mm की इसमें हमको जो सीट हाइट भी देखने को इसमें मिलने वाली है। अगर बात करें इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की गाइस, यहाँ पे हमको 174mm की इस वाली बैग में ग्राउंड क्लियरेंस भी देखने को जो है इसमें मिल जाने वाली है। एंड गाइस मैं दो आउट ऑफ इंडिया में आऊँ, जितनी हमारी शोरूम की डिटेल्स होने वाली है सारी की सारी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएंगी, सो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। एंड जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर होंगे हमारी दो आउट ऑफ इंडिया के, वो सारे भी आपको डिस्क्रिप्शन में जो है प्रोवाइड इसमें हो जाने वाले हैं। सो गाइस अभी अगर हम बात करें इस बैग की वेटिंग पीरियड के बारे में, तो यहाँ पे इसमें गाइस हमको 3 to 5 months इसमें वेटिंग पीरियड हमको देखने को इसमें मिल जाएगा। तो अगर बात करें हम इसकी माइलेज के बारे में, यहाँ पे 30 के अराउंड आपको सिटी में माइलेज जो है इसमें देखने को मिलेगी, एंड हाईवे में गाइस आपको 35 के अराउंड इसमें देखने को मिल जाने वाली है। तो गाइस अभी अगर हम बात करें इसके प्राइसिंग के बारे में, तो यहाँ पे मार्क टू वाला इसका जो हमको एक्सो रूम मिलेगा वो है 3,10,000 के अप्रॉक्स, एंड अगर हम बात करें इसके ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में, यहाँ पे 3,57,000 जो आपको पे करना पड़ेगा इस वाली बाइक के लिए। तो गाइस प्राइसिंग तो मैं कहूँगा आपको सेंसिबल है यार, आपको मतलब काफ़ी एक फीचर लोडेड बाइक देखने को मिल जाती है 650cc की यहाँ पे। एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 650cc में यार आपको इस वाले प्राइसिंग के इस प्राइसिंग में रॉयल एनफील्ड की बाइक्स के अलावा कोई भी और आपको बाइक जो है देखने को नहीं मिल जाती। एंड ये गाइस जो पूरी बाइक का अपना जो लुक्स है गाइस वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, काफ़ी ओल्ड स्कूल टाइप एंड रेट्रो टाइप लुक जो है यहाँ पे हमको पूरी बाइक जो है वाली प्रोवाइड कर देती है। सो गाइस मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन।